पानी आता नहीं है बिल्कुल, वो क्या नाम है, हड़ताल कर दें तो डीसी ऑफिसर आ जाते हैं, रेंजर्स आ जाती हैं, फिर ये हमारे बच्चों को मारती हैं। अभी कहते हैं लेडीज पुलिस बुलाएंगे, औरतों को बैठाएंगे, कहाँ से हम लोग कोई चोर हैं, डकैत हैं, क्या चीज़ है? अब कहाँ मांग रहे हैं? पानी मांग रहे हैं ना, और तो कोई नहीं मांग रहे, पानी मांग रहे। महंगाई इतनी कर दी सिंध गवर्नमेंट ने, सब कुछ सिंध गवर्नमेंट ने किया, किसी दूसरे ने नहीं, हम लोग नहीं। सारे जिम्मेदार हैं, हम चले एक को कहेंगे ना, फिर वो एक हुकूमत को कहेंगे तो पोलिटिसाइज हो जाएगा, दूसरी कहेंगे वो कहेंगे ये जानबूझ के, तो ये जिसका बिल्कुल। हाँ मुझे एक मिनट भाई, ये बच्चे जो है जितने भी, इनमें से कौन है जो पानी लेके आता है सुबह? हाँ सब पानी लेके आते हैं। नाम क्या आपका? शाहजहान। शाहजहान, पानी आप लेके आते हो घर के लिए कभी कभी? किस चीज से लेके आते हो, किस चीज में? वो बोर वाला है ना, उससे पाइप लगाते हो टंकी में। टंकी में पाइप लगाते हो और फिर किस चीज में लेके आते हो? बाल्टी में। बाल्टी में, हाँ वो अच्छा। और वो कितना भारी होती है जिसमें लेके आते हो? ज्यादा होती है, बड़ी होती है बाल्टी तो ज्यादा ही होगी ना। ज्यादा ही होती है, फिर लेके आ जाते हो लेकिन? हाँ। और स्कूल जाते हो क्या? स्कूल भी जाते हो, घर के लिए पानी भी लेके आते हो? यार वेल्डन शाबाश, ब्रेव बॉय हो, वेल्डन। आओ भी हीरो, सब सबसे हो, सबसे सब। क्या नाम है आपका? पानी लेके आते हो घर के लिए? कहाँ से लाते हो? मस्जिद से लेके आते हो। किस चीज में? बाल्टियों में। बाल्टियों में अकेले उठा के लेके आते हो बाल्टी? हाँ। बहन भी, बहन भी, बहन भी साथ जाती है। परेशानी नहीं होती आपको? दिल चाहता है यार छोड़ो यार ये पानी ना लेके जाए। बहन क्या कहती है आपसे? कहती है नहीं लेके जाना। नहीं लेके जाना? आप अम्मी अबू को कहते हो हमने नहीं लेके आना पानी? क्या बोलती है अम्मी अबू? कहती है आ जाएगा पानी। इतनी तकलीफ होती है पानी लाने में मेरे बेटे को? घर में नहीं आता पानी। हिम्मत करके ब्रेव बन के ना, बहादुर बच्चे हो तुम। शाबाश शाबाश शाबाश। आपने बहन को भी कहना है हिम्मत करनी है, हम सारे कोशिश करेंगे पानी घर में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, डन। जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, फिर बाबूकात आप कहते हैं सख्त बात करता हूँ। अब ये बच्चा अगर इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं कि वो पानी नहीं भर के लाना चाहता, उसकी बहन भी ये कहती है पानी नहीं भरना, माँ बाप कहते हैं बेटा ले आओ घर में जल्दी आ जाएगा पानी, सारे बच्चों वाले हैं, सब औलादों वाले हैं, जितने भी वज़ीर हैं, जितने भी अफसरान हैं, आपको आपके बच्चों का वास्ता है, खुदा के वास्ते ये भी किसी के बच्चे हैं, इन पर रहम कीजिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हो नहीं सकता, चूँकि हम अमेरिका नहीं, हम बरतानिया ने, भाई वही पानी जो इन रिक्शों के जरिए गलियों में पहुंच सकता है, वही पानी जो टैंकरों के जरिए गलियों में पहुंच सकता है, वो पाइपों के जरिए गलियों में क्यों नहीं पहुंच सकता? इसमें कौन सी बड़ी साइंस है जो समझ में नहीं आती? ये लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, पैसे दे चुके हैं जो मांगे गए हैं इनसे, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा इस बच्चे के आंसुओं की वजह से। मेरा दिल ये चाहता है माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो जो लोग भी जिम्मेदार रहे हैं माजी में इसके, जो जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके और जिनकी वजह से इन बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, उन सब पर सारे मिलके बोलें लानत हो। आओ। क्या नाम है आपका? बिलाल जी। तो पानी लेके आते हैं आप भी? जी अभी अभी भर के लाया हूं। अभी भर के लेके आए? तो कितना पानी उठा लेते हैं आप? दो बाल्टियां। तो बड़ा गैलन बाल्टियां सब लेके आते हैं। तो पानी साफ होता है जो लेके आते हो? नहीं, गंदा होता है। अच्छा वो जो लेके आते हो भर के, वो भी गंदा पानी होता है और वो भी पिया नहीं जाता? नहीं, गैलन खरीदने पड़ते हैं ये दुकानों से। लेकिन वो बता रही है अम्मा कि उससे भी पेट खराब हो जाता है, क्योंकि वो जी उससे भी पेट खराब हो जाता है। 1500 रुपए भी है हमसे, पाइप से पानी आएगा उससे भी आता पता नहीं है, पानी आता है नहीं हमसे, और हमें पानी भरना पड़ता है बहुत, बिजली भी जाती है। आप रोजाना लेके आते हो पानी? जी। तो थकते नहीं हो आप? दो दो बाल्टियां उठा के नहीं, स्कूल अलग जाना, पढ़ाई अलग करना और पानी अलग लेके आना, ये जिंदगी का हिस्सा बन गया आप जी। आप भी जाते हो इधर आगे जी, या तुम काम चोर बच्चे हो? चलो इधर आओ, आप आओ इधर आओ, बेटी को आने दो, यहाँ आओ बीच में आओ। क्या नाम है आपका बेटा? आयशा। अच्छा मुझे बताओ कि पानी सारे बच्चे भर के लाते हैं तो आप ही लेके आती हो? जी। किधर से लेके आती हो? आंटी से। आंटी से? कौन सी वाली आंटी से? पीछे गली।
अच्छा तो वो पानी दे देती हैं आपको, किस चीज़ में लेके आती हो? बाल्टी में। बाल्टी में लेके आती हो? आप अकेली होती है, बहन भाई भी तो साथ जाते हैं? भाई भाई साथ जाता है, तो दोनों उठा के लेके आते हो। थकती तो नहीं हो? थक जाती हो? फिर बीच बीच में रोक रोक के लाना पड़ता होगा। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा घरों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अवामी कॉलोनी का पुरसाने हाल आज से नहीं है, तकरीबन 10-15 साल से है। ना यहाँ सीवरेज का निज़ाम सही है, ना पानी का निज़ाम सही है, ना बिजली का निज़ाम सही है। वोट लेने के लिए जहाँ जो हमारे सियासतदान हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अवामी कॉलोनी को पेरिस बना देंगे, हम इसको लंदन बना देंगे, लेकिन यहाँ वो हाल है कि ना बच्चों की तालीम का कोई स्कूल है, ना कोई पानी का सही निज़ाम है, और ना ही बारिश होती है तो पानी घरों में चला जाता है। मेरी ये अपील है, ये हालत लग रही है यहाँ। मेरी ये अपील है खुसूसन सिंध गवर्नमेंट से कि आज से चंद दिन पहले नासिर हुसैन साहब सिंगर चुरंगी पे तख्ती लगाने आए हैं, लेकिन चंद कदम अवामी कॉलोनी के अवाम के पास उनका हाल पूछने नहीं आए कि अवामी कॉलोनी के। मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे सारों को सही मशवरा दूँ मैं, कुछ करके ना इस इलाके का नाम बदल लें। अवाम के नाम से हुक्मरानों की जान जाती है, जब सिर्फ वोट लेना होता है तब तो कोई नाम वाम अलग अलग रखे, शायद मेरा ख्याल है कोई फर्क पड़ जाए। मेरी राय हो सकता है मैं सही कहूँ। देखें, अवामी कॉलोनी हमारे बुजुर्गों ने रखा है, हम इसको तो बस हुक्मरान दूर रहेंगे, क्योंकि अवाम से दूर रहना है। हुक्मरान अवाम से हैं, वो अपने यही तो समझते नहीं है, यही तो मसला है। हुक्मरान अवाम से, अवाम उनकी ताकत है, वो खुद कुछ भी नहीं है। यही बात है, लेकिन समझ नहीं आती उनको इस बात की। लेकिन हमारे हुक्मरान जब सोए हुए हैं उस वक्त तक सोए हुए हैं जब तक उनको वोट की जरूरत नहीं है। आप जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, तो हवाम की याद आ जाती है, इनकी जरूरत पड़ती है। ये दुकान पे केन मिल रहे थे, वहाँ जा सकते हैं? बंद हो गई, खुली हुई है? आए ना मेरा, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे बात करते हैं। आ जाए आ जाए, बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से आराम से आराम। चलो बिस्मिल्लाह। अब आप जरा ये देखिए कि पानी कितना बड़ा मसला है। या तो लोग किसी जानने वाले के घर से जहाँ पे कोई बोरिंग का इंतजाम है या कहीं गलती से पानी आ जाता है वहाँ से पानी भर के लेके आते हैं, मस्जिदों से पानी भर के लेके आते हैं, फिर गली में आपने देखा कि हर वक्त जो है वो पानी के रिक्शे और छोटे टैंकर जो हैं वो चल रहे हैं। गली की हर दुकान पे पीने का पानी, उसके केन मौजूद हैं जो ख़रीदने पड़ते हैं यहाँ लोगों को। मेरा दुकान साहब, पहले साहब से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किसकी उनकी है इजाज़त है? आ जाऊँ? आप आ जाए पहले, चले मैं आ जाता हूँ। कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या नाम है आपका? अच्छा शहजाद भाई, ये तो बड़ा पानी तो बड़ा बुनियादी मसला है यहाँ। बहुत मसला सर। तो ये कितने केन बिक जाते हैं दिन में आपके? 30 बिक जाते हैं। 30 बिक जाते हैं, लेकिन लोगों के लिए, बेचारों के लिए ये खरीदना भी मुश्किल होगा। अपने घर के लिए मसला है सर, लोगों की बात तो बाद में, मैं खुद अपने घर के लिए यहाँ से यूज़ करता हूँ। और ये पानी भी ऐसा नहीं है, है ना, ये नहीं कह सकते कि यार बहुत बेहतरीन पानी है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है? बड़ा कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पानी का, कोई किसी ने कोई सर कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि हमला पीछे जो हमला आपको होता है कौन है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। हमने तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया उसी का फॉलोअप करने के लिए आए हैं कि वाटर बोर्ड के अफसर तो लगे ही पैसे कमाने में हुए हैं। बिल्कुल, उनको ये परवाह ही नहीं है कि गरीब आदमी के घर पे पानी कैसे पहुँच, यानी तवज्जो जब आपकी पैसे कमाने पे होगी या रिश्वत लेने पे होगी। चार महीने हो गए सर। तो ये पानी ये जो लाते हैं ये फिर वो जिस तरह भी हमें बंदा मिला भी, ये कोई सब सॉइल होता है या हाइड्रेंट का पानी होता है या बोरिंग की होती है? उन्होंने बोरिंग का पानी उसको मीठा करके पिला रहा है, खारा मीठा मिक्स किया जाता है, मीठा नहीं सर, आर ओ को मीठा कर आर ओ हो जाता है। जी सर, चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करे। और अच्छी बात यह है कि जाहिर चले आप कर तो रहे हैं लेकिन आप खुद भी उसी प्रॉब्लम से सर, मैं खुद ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें, अल्लाह आसानी पैदा करे आपके लिए।